आमतौर पर जब लोग मीठे का नाम सुनते हैं तो उनके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि कहीं वो मोटे ना हो जाएं। शायद यही कारण है कि वह लोग मीठे का सेवन कम कर देते हैं। लेकिन जो लोग मीठे के सेवन से डरते हैं या फिर इस डर से सेवन नहीं करते कि कहीं उनका वजन ना बढ़ जाए, तो उन लोगों को बता दें कि हाल ही में हुए कनाडा में एक अध्ययन के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ कि मीठी चीज़ों का सेवन आपके मोटापे का कारण नहीं बनता। इस अध्ययन में इस बात का भी खुलासा किया गया कि खाद्य और पेय पदार्थों में प्राकृतिक रूप से जो फ्रक्टोज के तत्व पाए जाते हैं, जिससे आपकी सेहत को कोई भी नुकसान नहीं होता है, यानी हमारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे फल, सब्जियां, या फिर आप प्राकृतिक फलों के रस और शहद का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी सेहत पर बेहतरीन फायदे मिलते हैं, साथ ही आप मोटापे के शिकार नहीं होते। लेकिन जो मीठी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं उनमें अलग से फ्रक्टोज डाला जाता है, जो आपके शरीर में जाकर आपके रक्त में शर्करा के स्तर को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। लेकिन अध्ययन के अनुसार प्राकृतिक रूप में जिसमें मीठी चीज़ें मौजूद होती हैं वह सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होती। हालांकि कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद वाली चीज़ें, बेकरी से बनी चीज़ें, मीठे पकवान, इन सभी चीज़ों में अलग से चीनी की मात्रा मिलाई जाती है, जो आपके शरीर में जाकर आपको डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित कर सकती है। हालांकि आगे इस अध्ययन में इस बात का भी खुलासा किया गया कि फ्रक्टोज शर्करा वाली चीज़ों में तब तक रक्त ग्लूकोज के स्तर पर हानिकारक असर नहीं डालता जब तक उसमें अतिरिक्त यानी इसके अलावा कैलोरी नहीं मौजूद हो। हालांकि जो लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं उनके लिए ताजे फलों का रस पीना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। बेहतर होगा आप बाहर की चीज़ें यानी डिब्बा बंद वाली मिठाइयों या फिर पेय पदार्थ का सेवन करने से बचें, तभी आप डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से बचे रह सकते हैं। क्यूरन हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।